saiyo. रघु बाबू, वो चट्टोपाध्याय जी ने बोला है कि अगर आपका बेटा मिल गया हो तो काम पे आ जाइए, उधर आपकी जरूरत है। जब तक मेरा बेटा नहीं मिलेगा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब आपके रहने से क्या होगा, जब जरूरत थी तब तो नहीं थे ना आप। जाइए काम कीजिए, पैसा जरूरी है ना, जाइए कमाइए। ससुर जी ठीक ही कह रहे थे, आपका काम हम सबको खा जाएगा, वही हो रहा है। विश्वास कब से कह रहा था उसको आपके साथ तैरना सीखना है, लेकिन आपके पास उसके लिए समय नहीं था। वो दिन रात राह देखता रहा, लेकिन आपको तो आपकी तरक्की की राह दिख रही थी, उसका भटकना नहीं। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो आप मेरा मरा मुंह देखेंगे। पैसों का बहुत कमेंड है ना आपको, सब कुछ पैसे से होता है ना, तो जाइए पैसे के बल पर मेरे विश्वास को ढूंढ लाइए। अब साई की जरूरत क्यों पड़ गई आपको? वैशाली मेरी बात तो सुन। आप आज सिर्फ सुनेंगे, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, क्योंकि आपकी गलती की वजह से वो साई, वैशाली वो देखो अब सब ठीक हो जाएगा। सहज सरल ये राह भक्ति की, सुखदाई है अपार। बाबा का मेरे नाम जो स्मर ले तर ले ये संसार, बाबा का मेरे नाम जो स्मर ले तर ले ये संसार। अंधियारे हर पथ पे बंदे, साई करे उजाला, हम भटकों को राह दिखाए हर पल शिरडी वाला। दुखियारों का साई आसरा, भूखों का है निवाला, हर पाप हर रोग मिटाए साई नाम की ज्वाला। Thank you.
भाई मुझे माफ कर दो, आप मुझे पानी में जाने से मना किया था, अब मैं आपकी हर बात मानूंगा। बाबा अब से मैं चोरी नहीं करूंगा। आप मुझे बंबई भेजना चाहते थे ना, मैं चला जाऊंगा। नहीं विश्वास, तू कहीं नहीं जाएगा, गलती तेरी नहीं है, गलती तो मेरी है। मैं तेरी जरूरतों को कभी नहीं समझा, मैंने सबके साथ गलत किया, मैं शाली का कभी ख्याल नहीं रखता। भाई बाबा का मान नहीं किया, युवा के साथ दोस्ती नहीं निभाई, साईं का कभी सम्मान नहीं किया। जाने किस अंधकार में जा रहा था मैं, माफी तो मुझे आप सबसे मांगनी चाहिए। शरद तुम्हें समझना चाहिए कि पैसा नहीं परिवार और शुभ चिंतकों का साथ ही असली दौलत है। तुम्हारा पैसा किसी काम नहीं आया, दोस्त है। इंसान अक्सर भूल जाता है कि पैसा कमाने में हम रिश्ते खर्च कर देते हैं, तरक्की करते हुए हम मूल्यों का पतन होने देते हैं। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है शरद, लेकिन कितना कमाना जरूरी है और उसके लिए क्या कीमत चुका रहे हो, इसके बारे में कभी सोचा है? तुम ये सब अपने परिवार की खुशी के लिए कर रहे थे, मैं मानता हूं, लेकिन परिवार की खुशी क्या है इसके बारे में पता करने की कोशिश की कभी तुमने? क्या तुम्हें पता है शरद कि तुम्हारे माता पिता को तीर्थ जाने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि इन्हें अपने पोते में ही लड्डू गोपाल नजर आते हैं। तुम्हारी पत्नी, इसके लिए तुम्हारा साथ ही श्रृंगार है, इसे महंगे आभूषणों की कोई इच्छा नहीं है। और तुम्हारा बेटा, इसके अच्छे भविष्य के लिए पैसे नहीं, एक पिता का मार्गदर्शन चाहिए शरद। इसके व्यक्तित्व और चरित्र को संवारोगे तो ये अपने आप मंजिल ढूंढ लेगा। शरद बाबू अब तो सब कुछ ठीक हो गया, अब तो चलिए काम पे। कह दीजिए चट्टोपाध्याय जी से आज मैं काम पे नहीं आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं मेरे बेटे के पास रहूंगा। तू चिंता मत कर विश्वास, मैं ओवर टाइम करूंगा, घर पर
तेरा पूरा ध्यान रखूंगा। तेरी परवरिश अब पैसों से नहीं, अच्छे विचारों और संस्कारों से होगी। विश्वास, क्या तुम्हें किसी और से कुछ कहना है? मुझे समझ आ गया, मेरे सच्चे दोस्त तुम सब हो, वो नहीं जो मुझे डूबता देख भाग गए। मुझे माफ कर दो। लेकिन हमारी एक शर्त है, तुम्हें हमारी कबड्डी दल का मुखिया बनना होगा। नहीं प्रहलाद, तुम खेल में सबसे अच्छे हो, मुखिया तुम ही बन सकते हो। अब मुझे तुम्हें हराना नहीं है, तुमसे सीख के और बेहतर होना है। साई, आज फिर हमेशा की तरह आपके कारण सब सही हो गए। राम जी भला कर। बदलाव जरूरी है और हर इंसान की उन्नति भी। सबको प्रयास करना चाहिए, लेकिन इसकी कीमत परिवार की खुशियों से अदा की जाए तो वो उन्नति नहीं, पतन है। क्योंकि अगर परिवार संतुष्ट नहीं तो समाज भी असंतोष की ओर अग्रसर हो जाएगा। जब संबंध पीछे छूटने लगे तो वो बदलाव नहीं, भटकाव है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए संतुलन जरूरी है, और जहां संतुलन खोया वहां अल्लाह मालिक। आज मैंने अंग्रेजी नाश्ता बनाया है, मैश्ड पोटेटो। ये आवाज कहाँ से आई? आई वो भूख के मारे मेरे पेट में कुत्ते दौड़ रहे ना, उसी की आवाज आई होगी। पेट में चूहे दौड़ते हैं राजा, कुत्ते नहीं। हाँ तो कोई असली कुत्ता होगा बाहर का। नीचे क्या देख रहे हैं राजा, खाना तो इधर है ना। ये वाली आवाज तो बाहर से नहीं आई। आई, इतना भयानक खाना मेरे पेट में गया ना, इसलिए सच में पेट से ही आवाज आ रही है। क्या आई, कल जब आजी ने आलू की सब्जी बनाई थी तो आप ही ने तो कहा था ये गरीबों का खाना है, और अब आप ही उबले हुए आलू दे रही हो। उबले हुए आलू लग रहे हैं तुझे? हाँ, अंग्रेजों का नाश्ता है ये, अंग्रेजों का। आजा चुपचाप खा खा। नीचे क्या है? ये कुछ नहीं है आई। ये क्या है राजा? आई कुछ नहीं है। राजा मुझे देखने दे। क्या राजा दिखा कुछ नहीं है। मुझे देखने तो दे राजा, मुझे देखने दे। इसमें क्या है राजा? कुछ अब कुत्तों से दोस्ती करने लगा तू? हरगिज नहीं राजा, जा इसे बाहर छोड़ के आ जा। पर आई कुत्ते को मुझसे दूर रख राजा, पास मत आ, दूर रह।
पर आई, बाबा ने कहा था कि मनु यहाँ रह सकता है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि ये यहाँ नहीं रह सकता, तू जा इसे लेकर बाहर। आप तो चाहती ही नहीं हो कि कोई मेरा दोस्त बने, भोला, चेतन, रागनी, लतिका, ये सब भी आपको अच्छे नहीं लगते है ना? अगर आप ऐसी रही तो मेरा कोई दोस्त नहीं बनेगा। बाबा नमस्कार। राम जी भला करें। कैसे हो चट्टोपाध्याय? पूरा गांव में एक आप ही हैं जो हमारा नाम कभी गलत नहीं लिया, वरना सब लोग तो उपाध्याय उपाध्याय बोलता रहता है। नया नाम हो या नई सोच, बदलने में समय तो लगता है ना। पर आपका कारण गांव वालों का सोच बदलने में समय नहीं लगा, और जब से आपने शरद का मन बदला है, सायरन बजता है, हाथ धोता है और मुंह उठा के चला जाता है। उसका देखा देखी और लोग भी ओवर टाइम नहीं कर रहा है, सब बोलता है अपना फैमिली को समय देना है। वो देखो, प्रणाम साई। राम जी भला करे। जल्दी में हो साई, वो नहीं है ना तो मुझे ही खेत पे जाना है। अरे पर पूरा समय बच्चा को ऐसा बांध कर कैसे काम करेगा आप? पर इसे अकेले घर पे छोड़ भी तो नहीं सकती, और फिर मैं अपने बच्चे के बगैर रह भी नहीं सकती, इसलिए इसे अपने पास रखने के लिए जो कोई उपाय करना पड़े मैं वो करूंगी। चलती हूँ साई। कुछ समझे? हम समझ रहे हैं आप क्या बोलना चाहता है। वो अच्छा माँ है, उसका बच्चा का देखरेख करना बहुत जरूरी है, इसलिए वो खेत में अपना बच्चा को साथ लेके जाता है। लेकिन खेत का मालिक को पता चलेगा तो उसका नौकरी जाएगा, क्योंकि वो तो मजदूरी अपना खेत में काम करने के लिए देता है ना। अभी अपना बच्चा को लेके जाएगा, उसको छुपा के रखेगा, उसका काम में ध्यान किधर रहेगा? तू नाव में सवार होने वाला डूबता है। माता पिता अपने बच्चे की बेहतरी के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। वासुदेव और देवकी ने अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे नंद और यशोदा को सौंप दिया था, वो भी तो छुपाना ही था ना। अपने बेटे को राजा से ग्वाला बना दिया सिर्फ उसकी रक्षा के लिए। इसी तरह कई माता पिता हैं जो अपने बच्चे की रक्षा के लिए, उसके हित के लिए ऐसे जोखिम उठाते हैं। कमल क्या कर रहा है? तुझे बोला ना झांकना नहीं है बाहर। शांति से बैठ। आ गया कुलकर्णी वाड़ा, पी लिया भाव। चल चले कलावती। मेरा आना जरूरी है क्या? तुम अकेले ही चले जाओ। तुझे पता है ना तेरा आना जरूरी है, फिर क्यों नखरा कर रही है? लेकिन मैं उनसे क्या बात करूंगी? तुम अकेले भी तो जाकर बात कर सकते हो। तुम चले जाओ, हम यहीं पे बैठते हैं। आई चलो ना, कितना सुंदर घर है, मुझे भी देखना है। चलो
तुझे नहीं चलना है तो मत चल, मैं कमल को अंदर ले जाता हूँ। अरे ये घर देख लेगा और घर वाले से हाँ? नहीं नहीं, तो जैसा बोल रहा हूँ ना वैसा कर, चल उतर बैलगाड़ी से। तू इसके साथ खेला और यहां से कहीं जाना मत। इससे नहीं, हाँ इससे खेला और कहीं पर भी जाना मत। अरे नहीं जाएगा कहीं पे, तू तो चल। चट्टोपाध्याय, तुम्हारी समस्या ये है कि तुम ना तो मिलके लोगों की जरूरत समझ पाए हो ना ही अपनी जरूरतों को। मतलब तुम्हें अपने परिवार की याद नहीं आती है, उनके साथ रहने का मन नहीं करता है। नहीं, हमारा फैमिली तो इसी में बहुत खुश है कि हम उनको भरपूर पैसा भेजता है जिससे वो अपना जरूरत पूरा करता है। अच्छा साई, हम चलता है, हमको मिल जाना है। साई ओम, साई ओम, साई।